नूरपुर के बागनी में स्थित डीएबी स्कूल के 16 ड्राइवर 2 दिन से हड़ताल पर हैं। ये 16 स्कूल बस के ड्राइवर अपनी मांगों को लेकर स्कूल के सामने 2 दिन से एक खाली दुकान के अंदर लगातार दिन रात बैठे हैं। स्कूल बस ड्राइवर अलंकार कौंडल, अनिल पठानिया, कृष्ण कुमार व संजीव कुमार ने पत्रकारों को बताया कि यहाँ अधिकतर ड्राइवरों को लगभग 15 वर्ष स्कूल में बस चलाते हुए हो गए हैं। स्कूल के प्रिंसिपल मस्तराम हमेशा टॉर्चर कर रहा है, जैसे बजरी उठाना, बसों में ओवरलोडिंग करना। अगर हम ओवरलोडिंग के लिए मना करते हैं तो हमें स्कूल से निकालने की धमकी दी जाती है। 2 दिन से 16 स्कूल बस ड्राइवर को स्कूल से निकाल दिया गया है। सभी से स्कूल की गाड़ियों के कागज और बस की चाबियां ले ली गई हैं। प्रिंसिपल बहुत बुरी तरह से हमारा शोषण कर रहा है। हमारे बच्चे यहाँ पर पढ़ते थे और उनसे 120 रुपये स्कूल की फीस ली जाती थी, उसके बाद 1060 रुपये फीस कर दी। हम फीस देने के लिए तब भी तैयार हो गए। जब हम फीस जमा करवाने के लिए गए तो हमसे फीस लेने के लिए मना कर दिया गया और कहा कि आपको जहाँ जाना है वहाँ जाओ। हमारा केस लेबर कोर्ट में चल रहा है। काफी बार ओवरलोडिंग का चलान भी हो चुका है। सर, मैं डीएवी ड्राइवर अलंकार कौंडल। यहाँ स्कूल में सर तीन पहले तो बोलते हैं कि रेगुलर गाड़ियाँ चलाओ, फिर बाद 3 मंथ बीतने के बाद ये ब्लैंक एफिडेविट मांगते हैं ये हमसे, और ये मतलब अपनी संस्था से निकाल के जो भी डॉक्यूमेंट है वो बोलते हैं ये दिल्ली से आए हुए हैं और बार बार उन पे साइन मांगते हैं ये हमसे, और ये मतलब 3 महीने का पीएफ और कोई भी चीज़ मतलब उस ड्राइवर को निकालने के बाद कुछ नहीं देते उसको। ये 3 महीने के बाद बोलते हैं भी आप घर को जाओ। बस इन्होंने ऐसा ट्रेंड रखा हुआ है यहाँ स्कूल में। और ड्राइवर जो है स्कूल में सर, एक तो सुबह चलता है, 5 बजे चल रहे हैं, कोई 4:30 बजे चल रहे हैं। यहाँ आने के बाद ये बोलते हैं कि ड्राइवर जो है स्कूल कंपाउंड में बच्चों के रूम के साथ जो इसको स्टाफ का रूम है वहीं दिया हुआ ड्राइवर रूम इन्होंने। तो सर ये तो नहीं है कि ड्राइवर बाहर भी नहीं जा सकता। ड्राइवर ना तो स्कूल के बाहर जाएगा और ना ही फोन होना चाहिए उसकी जेब में, ना पॉकेट में जेब में अपना फोन रखेगा। हालांकि बच्चों के माँ बाप हमें पूछते हैं कि हाँ कहाँ हो आप, हमारा बच्चा लेट हो गया है। तो सर आप भी बताएंगे हम क्या जवाब दें इनको आगे। सर मैं इतना कहना चाहता हूँ डीवी संस्था से, ये नहीं दिल्ली तक, कि जब भी ये कोई भी लेटर निकाले तो पहले पीछे से डिक्टेट हो इसका जो भी है, तभी यहाँ हमें आगे पेश किए ये डॉक्यूमेंट। बस सर इतना कहना चाहता हूँ। मैं ड्राइवर अनिल पठानिया बागनी स्कूल से आपके सामने ये बताने जा रहा हूँ कि हमें जो है ये स्कूल वाले बहुत ज़्यादा ही टॉर्चर करते हैं। हमें मानसिक तौर से शोषण किया जा रहा है और हमें क्या बोलते हैं कि आप ना खुल के एवरेज दो, न्यूट्रल मार के एवरेज दो, कल को कोई भी हादसा होता है तो ये स्कूल प्रशासन जो है वो जिम्मेवार हो, और हमारे और भी बाकी जो ड्राइवर हैं उनको भी बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, ओवरलोडिंग के लिए बोलते हैं। हमें कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है यहाँ पे, और भी हमें बड़ा ज़्यादा तंग करते हैं। कृष्ण कुमार, डीएवी स्कूल बागनी में, यहाँ ड्राइवर तैनात हैं हम, 16 आदमी हैं। हमारे साथ जो है ये थोड़ा अन्याय करते हैं, निकालने की धमकी देते हैं, ओवरलोडिंग कराते हैं और ज़बरदस्ती हमारे से ओवरलोडिंग के बारे में बोलते हैं। और बच्चों की फीस जैसे पहले 120 रुपये लगती थी, उसके बाद जो है वो 1050 कर दी, उसके बाद अब ये बोल रहे हैं कि हम आपसे फुल फीस लेंगे। और जैसे कि हमारी सैलरी जो है वो 8000 रुपये है अभी की है। और जो हमारे से जूनियर ड्राइवर हैं 3, उनकी 10000 से ऊपर भी है। जब इसके बारे में स्कूल के प्रिंसिपल मस्तराम राणा से बात की गई तो वे इन सभी बातों से मुकर गए और कहा कि मुझे नहीं मालूम कि स्कूल बस के 16 ड्राइवर ने हड़ताल की हुई है। हड़ताल क्यों है इसके बारे में उन्हें बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। उन्होंने बताया कि हर वर्ष स्कूल के स्टाफ की भर्ती की जाती है, चाहे वो टीचर हो या ड्राइवर। अगर ड्राइवर नियम का पालन करेंगे तो फिर कमेटी विचार करेगी कि किसको रखना है और किसको नहीं रखना है, पर ये सभी नियम के तहत होगा। आपने उनकी सेवाएं खत्म कर दी, क्या कारण इसका? हमारे स्कूल में सेशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट एडहॉक रेगुलर पे टीचर रखे जाते हैं। उनका पहले एडवर्टाइजमेंट होता है, उसके बाद एप्लीकेशनें आती हैं, इंटरव्यू होता है, उनके अकॉर्डिंग अपॉइंटमेंट होती है। जो भी उनकी नेचर है, एडहॉक है,
टेम्परेरी है, कंट्रेक्चुअल है, अगेंस्ट रेगुलर कोई पोस्ट फिलअप की जा रही है जो रेगुलर वेकेंट है, उसके बाद उनकी एप्लीकेशन आती है, इंटरव्यू होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है हर साल, फिर अपॉइंटमेंट होती है हर साल। जस्ट लिसन मी, यस सर, एवरी ईयर वी फॉलो दिस प्रैक्टिस। इनको लोग देन दे आफ्टर सेशन इज ओवर दे आर लीव, दिस इज द प्रोसेस। यहां पे कुछ ऐसे लोग हैं जो 18-18 साल से, नो दिस इज रॉन्ग, नो रॉन्ग, दिस प्रोसीजर हैज नॉट बीन फॉलोड, वी हैव रिकॉर्ड विद अस, ये दिस इज विद एवरीवन, वेदर ही इज ए पीएन, ए प्रिंसिपल, टीचर्स, व्होएवर द एम्प्लॉई, वेस विद पर आया, द सेम प्रोसीजर इज बीन फॉलोड। जो बंदे 15-15 साल से लगे हैं हर सालों का आपने इसी तरह से उनकी फिल्म के द्वारा उनको रिक्रूट किया? 15 से नहीं, भारत 1 ईयर कर लिया जाता है, हमारे 1 ईयर के कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं, जो 15 साल से काम कर रहे हैं लोग, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। हमारे पास तो 6 साल ड्राइवर जो है वो 3 महीने से भी हैं, 6 से भी हैं, वो भी मॉब बना रहे हैं, थ्रेटनिंग दे रहे हैं प्रिंसिपल को, तो गाड़ी के नीचे दे देंगे, हैं इधर 6 महीने के भी रखे हुए हैं, साल के भी रखे हैं। एक ज्वाली से आता है, उसका नाम क्या है मुझे अभी, संजीव, वो तो अभी सुबह भी, उसकी इंटेंशन पता नहीं क्या है, सुबह भी मूवी बना रहा है टीचर की, इसकी उसकी, और कल भी वो क्या उठा लो, क्या कह रहा था वो, लाठी उठा लो, लाठी उठा लो, हमारी मैडम उधर से आ रही थी, अभी बाहर बैठी, बुला दें उसको भी, नहीं कोई बात नहीं। मैं तो यही पूछ रहा हूँ कि एक्चुअली क्या है कि वो उन लोगों का रूप ये है कि वो ड्राइविंग के साथ साथ आप उनसे दिहाड़ी का काम करते, मजदूरों का काम करते। वी आर नॉट टेकिंग एनी लेबर वर्क, इट इज अगेंस्ट द लॉ एंड आई नो इट वेरी वेल, उनका रूप है, वी आर नॉट टेकिंग सच वर्क फ्रॉम एनीवन, किसी से नहीं हम ले रहे हैं। इनके बच्चे भी स्कूल में पढ़ते हैं और पहले उनकी फीस 120 थी, अब 1050 मांग रहे हैं और वो फीस नहीं ले रहे आप। सर यहाँ पे जो भी है वो सभी के, हमारे यहाँ पे टीचरों के बच्चों की पूरी फीस ली जाती है, टीचर आर पेइंग फुल फी, ड्राइवर और इनको फी कंसेशन दिया है, इनको ओनली दे आर गेटिंग दिस फैसिलिटी ओनली एंड ओनली ड्राइवर्स एंड कंडक्टर्स, और इवन दे हैवन डिपॉजिट दैट फीस, इवन एग्जम्प्टेड फीस जो उनकी माफ है, तो माफ भी नहीं, 4-5 महीने से जमा करवा रहे हैं, नहीं किए, टीचर ने नोट्स भी भेजे होंगे, रिकॉर्ड में ही होगा उनके, क्या फीस है उनकी, जो भी होगी, जो कंसेशन से जो रिकॉर्ड में होगी, इधर उनको है, टीचर्स को नहीं है, जो हमारे टीचर एडहॉक पे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, उनको ट्यूशन फीस माफ नहीं है, ड्राइवर को ट्यूशन फीस भी पूरी माफ है, और इनको बस फिर भी माफ है। अभी क्या आपका नेक्स्ट प्लान, क्या क्या करना है इनको, द्वारा रिक्रूटमेंट होगी या इनकी नहीं, वो तो उसकी जो प्रोसेस है वो फॉलो करेंगे, हमें हमने एडवर्टाइजमेंट दी है 3 न्यूज़पेपर में, जैसे हमारी प्रोसीजर है, एज वी फॉलो द डीएवी नॉर्म्स, वी हैव टू गिव द एडवर्टाइजमेंट इन 3 न्यूज़पेपर, जस्ट यू लिसन सर मी, देन दे विल अप्लाई, मीन ऑल वी विल गेट द एप्लीकेशंस, देन वी कॉल द इंटरव्यू एंड वी एडवर्टाइज द पोस्ट, वी इन्फॉर्म देम, दे रिफ्यूज टू साइन, हमने इनको इन्फॉर्म किया कि इस साल की हमने एडवर्टाइजमेंट निकाली है और अब आप भी अप्लाई करो, जैसे सारे कर रहे हैं और एज यूजुअल सारे करते हैं, इन्होंने किसी ने भी नहीं अप्लाई नहीं किया। अभी गाड़ियों को चला रहे हैं, अभी बसेस कौन जो हमारे इनमें, हमारे पास जो है 20 ड्राइवर हैं, एक बस हमारी अभी आई है, इनमें से ये 15 ड्राइवर हैं, 5 जो ड्राइवर और हैं, उसमें हमें 1 या 2 बस की जरूरत पड़ती है, हमारे प्लस टू का एग्जाम चल रहा है, तो वो 2 ड्राइवर हैं, उनसे हम कर लेते हैं। नहीं, आपने जो टर्म कंडीशन आप बोल रहे हो उसको एक्सेप्ट करते हो, जो भी नई रिक्रूटमेंट जो भी पॉलिसी आपकी, तो क्या वो पॉलिसी इस लिहाज से है कि आप उनको पहले बाहर निकाला जाता है उसके बाद वो लीव किया जाता है, जिससे प्रोसेस की कॉन्ट्रैक्ट जो है हमारा 1 ईयर है। अच्छा, जैसे इससे प्रोसेस ना कि हमने कोई हमारा डीएवी का सेट है, उसमें यह कि पहले आप पोस्ट एडवर्टाइजमेंट करेंगे 3 न्यूज़पेपर में। अच्छा, जो भी वेकेंट पोस्ट है वो कर दिया आपने? वो हमने कर दी, वो तो पिछले महीने वो हम 3 न्यूज़पेपर में करते हैं, एक हमारा इंटरव्यू होता है मेजर इंग्लिश में करने हैं और 2 हिंदी के करते हैं। अभी होगी कुछ नहीं, वो हो गई है और उसका सर्कल भी सारे स्टाफ को निकाल दिया। कहाँ से हुई है, कौन से, उसकी कॉपी पड़ी हुई है, आपको कॉपी पड़ी है, रिकॉर्ड में है, मुझे दिखाएंगे आपको, दिखाने जा कौन से अखबार में, इनको दिखा दीजिए, और वो भी बस के नीचे दे देंगे, तो वो तो मुड़ कर जाएंगे, मैंने नहीं बोला, उन्होंने बोला है, मेरे थ्रेटन देते हैं कि जब भी आगे आएगा प्रिंसिपल हम तो इसको बस से कुचल देंगे। अच्छा, माय सन, मेरा मैं अभी खसम खाकर कहता हूँ उसके आगे, मैंने बोला इन्होंने तो क्या आपको दम देंगे देते हैं ये, जब भी कहीं बस के आगे आएगा तो हमने तो बस के नीचे से कुचल देंगे। आप बोलते हैं कि ड्राइवर का प्रोसीजर है, कॉन्टैक्ट होता है सभी का बोला, पर तीन ड्राइवर ऐसे हैं जो 3 साल से लगातार काम कर रहे हैं, उनके उनसे तो नहीं आपने किया? नॉट कंटिन्यूसली, सभी के साथ है, सभी का, वी हैव रिकॉर्ड, यस्टरडे हमारे FIR हुई थी, पुलिस इधर आई थी, सारा रिकॉर्ड चेक करके गई है, उन्होंने सब कुछ देखा है, सारे सभी का लीविंग, सभी का अपॉइंटमेंट, ड्राइवर नहीं मैं कह रहा हूँ, वेदर आया
स्वीपर, टीचर, पियान सभी के लिए एक जैसा सेम प्रोसीजर इज फॉलोड।